हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इरफान खान ब्लॉग चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं I-10 न्यूज के बारे में, जो कि अभी फिलहाल NCAP ने टेस्ट किया है। उसको क्रैश टेस्ट करने के बाद उसमें जो हमें रेटिंग देखने को मिली है, बहुत ही निराश करने वाली रेटिंग है। और वहीं उसी के साथ अगर हम खड़े करते हैं स्विफ्ट को, मारुति सुजुकी स्विफ्ट को जो 2020 की है, उसी का भी उसका भी क्रैश टेस्ट हुआ था, तो उसको भी 2 स्टार मिले थे। और अब जो आई है I-10 न्यूज, इससे सभी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी अपने, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी को लेके। लेकिन मेरे कहने पे बहुत से भाइयों ने गाड़ी ली है। लेने के बाद अब ये मत सोचना कि भाई इन्होंने रिकमेंड किया था और हमने ले ली और अब इसको 2 स्टार मिले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि I-10 न्यूज़ जो है वो अपनी जगह ठीक है और स्विफ्ट जो है वो अपनी जगह ठीक है। मैं किसी कंपनी को नहीं बोल रहा कि ये कंपनी गाड़ी ख़राब है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बेकार है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट है उससे कहीं गुना ज़्यादा उसकी बिल्ड क्वालिटी हैवी है। मुझे नहीं पता 2 स्टार उसे कैसे मिले, लेकिन अगर मुझे चॉइस मिले या मारुति सुजुकी स्विफ्ट लेनी है या फिर I-10 न्यूज़ लेनी है, तो मैं जाऊँगा I-10 न्यूज़ के लिए। क्योंकि उसका जो जितने भी हमने क्रैश टेस्ट देखे हैं, लाइव क्रैश टेस्ट देखे हैं और रियल लाइफ में जो वो परफॉर्म करती है और स्विफ्ट अपनी जगह परफॉर्म करती है, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकल के आएगी, क्योंकि सभी को यही उम्मीद है। क्योंकि Hyundai हमेशा अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेकर जानी जाती है। और हम बात करें माइलेज की, तो स्विफ्ट को अगर आप कंपेयर कर ही रहे हो इसी के साथ, तो स्विफ्ट तो अच्छी माइलेज देगी। और कभी आप सोचो यार 2 स्टार इसी को मिल रहे हैं और 2 स्टार इसको मिल रहे हैं, तो हम सोचे यार क्यों ना हम इनमें से स्विफ्ट ही ले लें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप सिर्फ एवरेज को देख के चलो। सोचो कि 2 स्टार इसको मिले हैं और 2 स्टार इसको मिले हैं, तो स्विफ्ट लेने में कोई बुराई नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो स्विफ्ट को जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही कम है और उसकी जो है बिल्ड क्वालिटी थोड़ी हैवी है। दोनों की अगर हम प्राइसिंग की बात करें, तो दोनों हमें स्विफ्ट जो मिलती है ऑन रोड 5,70,000 रुपये करीब हमें मिल जाती है। और अगर हम I-10 ग्रैंड I-10 न्यूज़ की बात करें, तो वह 5,76,000 की मिल जाती है, ठीक है, ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ मैं। और जो हमने अभी एयर बेस मॉडल लिया है, वो हमने लिया है 5,34,000 का हमने कुछ लिया है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके 5,000 से 10,000 रुपये वैसे ही कम हो जाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वालिटी, अगर आप इन दोनों में से मुझसे पूछो कंपेयर करें कि भाई अगर मैं स्विफ्ट ले, क्योंकि इतनी प्राइस में आ रही है तो मैं स्विफ्ट क्यों ना लूँ, तो भाई जिसको भी बढ़िया राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी चाहिए, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, माइलेज भी अच्छी चाहिए, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, प्राइस के अंदर भी हो और लुक्स भी अच्छे हों और भाई सस्पेंशन भी अच्छा हो, तो मैं तो I-10 न्यूज़ को ही रेफ़र करूँगा कि बताऊँगा आप सभी को कि I-10 न्यूज़ से ही आप लो। और अगर आप मैं स्विफ्ट की बात करते हो, तो स्विफ्ट आपको अच्छा पिकअप दे देती है, अच्छी माइलेज दे देती है, अच्छी रीसेल वैल्यू दे देती है और अच्छी सर्विस दे देती है, जो कि अगर आप कंपेयर करो I-10 न्यूज़ से, तो I-10 न्यूज़ के मतलब सेम ही पड़ती है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस का खर्चा है इनमें, तो एवरेज में ही आपकी 18-19 की तो आपकी I-10 न्यूज़ दे देती है। हाईवे पे अगर लगाया था 18-19 की दे देती है। और कई भाइयों का कमेंट भी आया था, वो भी कह रहे थे कि भाई मेरा 21 की भी दे रही है एवरेज, तो आप देख सकते हो 21 की एवरेज दे रही है। मेरे बताने का मतलब, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जिन भाइयों ने भी ये ले ली है गाड़ी, वो ये ना सोचे यार मैं तो लेके फंस गया हूँ, मैंने 2 स्टार मिले हैं, मैंने इतनी प्यार से गाड़ी ली थी, इतने पसंद करी थी और इतने पैसे लगाए, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो गाड़ी है वो बेस्ट परफॉर्म करेगी आपके रियल लाइफ में। अगर आप, मैंने जितने भी अभी तक देखे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि छोटी मोटी अगर टच हो जाए या कहीं बम्पर टू बम्पर अगर आप ट्रैफिक में चलते हो, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जिस भाई ने भी गाड़ी ले ली है उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी आप सोचो कि, और जो भाई लेने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा I-10 न्यूज़ के लिए, बेस मॉडल आपको रिकमेंड करूँगा लेना हो तो। और आपके बजट के अंदर भी आ जाएगी राइड, अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी आपको और अच्छी खासी सर्विस भी मिल जाती है।
और 5 साल के अंदर आपको 3 वारंटी ऑफर भी मिलते हैं, जो कि आपको वहीं कंपेयर करें शिफ्ट में तो आपको वहाँ नहीं मिलता है ये चीज़ें, वहाँ पर सिर्फ आपको एक ही वारंटी ऑफर मिलता है। तो बस आज की वीडियो में तो बस इतना ही था, मैं आपको यही बताना चाहता था कि जिस भाई ने भी ले लिया उसको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सोचो यार ले ली मैं 2 स्टार मिले मैं क्या करूँ या क्या करूँ यार बिल्ड क्वालिटीज़ की ऐसी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी भाई को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपने जो एक्सपीरियंस है गाड़ी लेने के बाद कैसा रहा कैसा नहीं रहा वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। और नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उसे दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।